हेलो हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम मंडल आयोग के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से देखें और सुने। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक सरकारी व शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% तक पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात कही। आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन। जब जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो उसने वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग। इस आयोग को केंद्र सरकार द्वारा निम्न कार्य दिए गए। अब वो क्या कार्य हैं, ध्यान दें। मंडल आयोग के कार्य: सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु कसौटियां तय करना, क्या ये हैं या नहीं इनके बारे में परिभाषाएं तय करना। पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए जाएं इस बारे में अपने सुझाव देना। केंद्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण आरक्षण की सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाएं और संकलित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और सिफारिशें करना। 30 अप्रैल 1982 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। आयोग ने सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया। आयोग ने देश की 3,743 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित की। करीब 3,743 जातियां, जिनकी जनसंख्या देश की कुल आबादी का आधे से ज़्यादा है, 52% है, और आयोग ने 52% स्थान आरक्षित करने की बात कही। परंतु संविधान की जो धारा है 14(4) और 16(4) उसके अनुसार 50% से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता तथा 22.5% स्थान पहले से ही अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अतः संविधान के प्रावधानों के कारण पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की। 22.5 से 27। आयोग ने सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए भी 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि आरक्षण के कोटे को 3 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, उनके बाद ही स्थान भरने व आरक्षण कोटे से हटाया जाए। आयोग ने पिछड़े वर्ग की सूचियां बनाने एवं आयु सीमा में भी छूट देने की सिफारिशें की। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठानों, बैंकों, सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी लागू करने की बात कही और यह भी कहा कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएं। आयोग ने यह भी कहा कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए उसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाए जिस प्रकार की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए दी जाती है। आयोग ने पिछड़े जातियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने व इस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास बनाने की भी सिफारिशें की। अब मैं आपको बच्चों कुछ महिला समानता का संघर्ष कैसे कैसे रहा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। महिला समानता, महिला समानता का संघर्ष, तो ध्यान दें, हम सभी जानते हैं कि समाज में दोनों ही पुरुष या स्त्री अपरिहार्य अंग हैं।
और दोनों का एक जो है समान रूप से जो है इन पर दोनों पर विश्वास है। अतः समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र दोनों को समान प्राथमिकता देते हुए होता है। लेकिन परिवार और नातेदारी, विशेषकर नातेदारी की संपूर्ण संरचना और प्रक्रिया को हम पुरुष को प्रधान मानकर अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जहाँ लोगों के जीवन का प्राथमिक अवलोकन किया जाता है, वहाँ स्त्रियों की प्रतिभागिता और गतिविधियों का महत्व शून्य होता है। मेनोवालस की, रेडक्लिक, ब्राउन जैसे आरंभिक मनोवैज्ञानियों ने महिलाओं की भूमिका को कम करके आंका था। इन सभी ने मुख्यतः पुरुषों पर ही अपने अध्ययन का केंद्र बना रखा था। उन्होंने सामुदायिक जीवन पर भी नहीं बल्कि समुदाय ने महिलाओं की भूमिका से संबंधित जानकारी भी गांवों के पुरुषों से जुटाई है। कमोवेश भारतीय संदर्भ में आज भी ये परंपरा देखी जा सकती है। तो ऐसे कई शोध जो कि स्वयंसेवी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए हैं, बताते हैं कि भारतीय स्त्रियाँ कामगार नहीं हैं, या है तो उनकी संख्या नाममात्र की है। शोध के यह निष्कर्ष संदेहास्पद इसलिए है कि हम खुली आंखों से इस सत्य को देखते हैं कि पारिवारिक दायित्वों के अलावा भारतीय स्त्रियां विशेषकर ग्रामीण अंचलों में संबंध रखने वाली कृषि कार्य को लेकर शारीरिक श्रम अन्यत्र जाकर काम करती है। तो इन निष्कर्षों का कारण स्पष्ट है कि शोध के उत्तरदाता अधिकांश घर के पुरुष सदस्य ही होते हैं। ये हो सकता है, आप लोगों को समझ में आ रही बात। अब आगे देखें, पुरुष जो है उनकी दृष्टि में कृषि भूमि में बीजारोपण से लेकर फसल काटने से कार्य या फिर घर में ही सूक्ष्म रूप से किए जाने वाले आर्थिक गतिविधियाँ यथा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि जिसमें परिवार की महिलाएं धन कमाती हैं, कामकाज में नहीं आता। सुस्पष्ट तौर पर श्रम उसे माना जाता है जो घरेलू परिधि में ही नहीं अपितु देश की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर अर्थ लाभ दे। काम करने से हमारा मतलब उस काम से ही होता है जहाँ संगठित क्षेत्र में नकद भुगतान किया जाता है। दरअसल वे सामाजिक प्रक्रिया और नीतियाँ जो समाज के विश्लेषण के लिए अपनाई गई हैं, विशुद्ध रूप से स्त्री और पुरुष के मध्य भेद करती है। महिला समानता के संघर्ष में विस्तारपूर्वक चर्चा करने से पहले यह विश्लेषण इसलिए आवश्यक था कि जिस स्त्री को समाज में अपने द्वयम दर्जे से मुक्ति पाए जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे यह विदित भी नहीं होगा कि सामाजिक संरचना की मूल इकाइयों में उसकी भूमिका समाज वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं बन गई। ऐसे में यह कल्पना करना सहज है कि जनसाधारण के मानस में आदि आबादी की भूमिका है क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। अब बच्चों, जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, उसे संबंध में आपको मैं कुछ प्रश्न देने जा रहा हूँ, और वो प्रश्न है आपके सामने, मंडल आयोग का गठन कैसे हुआ। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया मंडल आयोग का गठन कैसे कैसे किस तरह से पार्टी ने चुनाव के द्वारा उनको फिर मतलब आगे लाए, सामने लाए वो, और किस प्रकार से घोषणा पत्र में इसका गठन हुआ, एंड मंडल आयोग के कार्य लिखिए। जैसे कि मैंने वीडियो के मध्य बताया आपको, करीब 4 पॉइंट्स में इसके कार्य लिखे हुए हैं, पेज नंबर 39 पर है, आप लोग इसे राइट डाउन करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, महिला समानता संघर्ष पर एक लेख लिखना है कि किस तरह से महिला समानता संघर्ष रहा, जो मैंने आज आपको समझाया वही है, और अंतिम चरण में जो वीडियो के अंतिम चरण में मैंने जो समझाया था इसका आंसर है। ये तीनों प्रश्न आप लोगों को राइट डाउन करना है, एंड वेनसडे सैटरडे को आपको कॉपी जमा करानी है। वेनसडे को जमा कराएंगे तो सैटरडे को आपको मिल जाएगी, सैटरडे को जमा कराएंगे तो आपको वेनसडे को कॉपी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।